नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न हमारा एवरेज चैप्टर का है और प्रश्न क्या है कि पांच लगातार संख्याओं का औसत 113 है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर पांच संख्या दी हैं और कैसी दी हैं, लगातार दी हैं। तो जब संख्या लगातार होती हैं तो जो उन संख्याओं का औसत आता है वह उनके बीच की संख्या होती है। तो पांच हम यहाँ पर गोले बना लेते हैं, 2, 3, 4 और एक 5, ठीक है। औसत कितना है, 113। तो जो बीच वाला गोला होगा वही 113 होगा या वही उनका औसत होगा। अब संख्या लगातार हैं तो हमें क्या निकालना है, उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ 112, यहाँ 111, सबसे छोटी तो होगी 111 और दूसरी सबसे छोटी क्या होगी, 112। तो हमारा आंसर निकल के क्या आएगा, 112, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि औसत वाले सवाल देखने में भले ही कठिन लगें लेकिन करने में बड़े ही सिंपल होते हैं। जब संख्याएं लगातार दी जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि जो उनके बीचों बीच वाली संख्या है वह जो औसत है उसके बराबर है। जैसे कि इस प्रश्न में इनका औसत 113 था तो तीसरी संख्या यानी बीच वाली संख्या क्या थी, 113 थी। अब संख्याएं जब लगातार हैं तो पीछे बढ़ेंगे तो 112, 111 और आगे चलेंगे तो 114, 115। जब पांचों संख्याएं मिल जाएंगी तो जो उसने हमसे पूछा हो उसका हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।